कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो ये मेरे पास एक लीटर दूध है। जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा दूध बचता है मैं उसकी इस तरह से मिठाई प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो पहले दूध में बॉईल आने देंगे, चलाते हुए दूध को गर्म करेंगे और एक उबाल आने तक इसको बॉईल होने देंगे। आपके घर में जो भी दूध अवेलेबल हो बना सकते हो, नहीं तो आप पैकेट वाला दूध ला करके उसका यूज कर सकते हो। हमारा इस तरह से फट जाए तो उसका हम कैसे प्रयोग करें, हम देख सकते हो दूध यहाँ पे क्या फट गया है। तो इस दूध को हम छान लेते हैं, छन्नी को अलग कर लेते हैं, तो फट ही चुका है। मैं तो इसका मावा बनाने वाली थी पर ये बीच में ही फट गया है। से इसको छान ले तो ये कुछ जो मावा होता है ना फटे हुए दूध का, थोड़ा इस तरह का अलग होता है। हमारे हम जो ओरिजिनल मावा निकालते हैं वैसा नहीं होता है, इसका थोड़ा दाना अलग होता है क्योंकि इसके अंदर मलाई भी थी और ये फट भी चुका है। तो चलिए अब इसकी कोई अलग स्वीट बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं मिक्सर जार में डालूंगी निकाला हुआ छन्ना, फटे हुए दूध का, और इसके साथ ही जितना मैंने छन्ना लिया उतना ये घर पे निकाला हुआ मावा डाल दूंगी और उतनी ही मैं शुगर डाल दूंगी। छन्ने के साथ में ये देखिए ये घर पे निकाला हुआ मावा डाल दिया है थोड़ा सा एक चम्मच और उतनी ही शुगर डाल दी है। अब हम तीनों को पीस करके तैयार कर लेंगे। तैयार कर लिया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई के अंदर यानी पैन के अंदर निकाल लेते हैं और पकाते हैं इसको। इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं इसको पका रही हूँ। दो से तीन मिनट तक मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे कौन सी स्वीट बनने वाली है। आप देख सकते हैं मोवे का पानी जो ऑलमोस्ट जल चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये काफी गाढ़ा भी हो गया है और अब मैं आपको थोड़ा ठंडा होने के बाद बताऊंगी इसकी अच्छी सी स्वीट बनाना। चाहे तो आप इसके अंदर इलायची का फ्लेवर डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ, ये काफी गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हम इसकी एक लोई सी बनाएंगे। जैसे गोल गोल पेड़ा बनाते हैं ना वैसे ही आप इसकी बना करके सीधे शुगर बोल में आप इसको कोट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से लंबा लंबा जैसे हम गट्टे बेलते हैं ना वैसे बेल करके भी आप इस पर शुगर बोल्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं। ये खसखस के दाने हैं और इन पे शुगर कोट की हुई है। तो ये खसखस के जो दाने होते हैं ना ये आपको मिठाई वाले की दुकान पे ही मिलेंगे क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और मिठाई वाले जो मिठाई बनाते हैं ना सीटा की, ये जो मिठाई बनती है पनीर की या फिर मावे की, ये पनीर से भी बनती है और मावे से भी बनती है। तो जब दूध पड़ जाता है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी स्वीट बना सकते हैं और ये स्वीट बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इस तरह से हम अपनी सारी स्वीट्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारे फटे हुए दूध की जो स्वीट्स थी वो बना करके रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये चिपक जाते हैं दाने इस पे, बस आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे शेप लगाना है। तो ये दाने जो ना ये आपको मिठाई वाले की दुकान पे ही मिलेंगे। तो ये देखिए सारी स्वीट्स बन करके रेडी हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने बनाई फटे हुए दूध में थोड़ा मावा ऐड करके, तो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।